नमस्ते दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप कोई ऐसा ऐप रखे हैं जिसके कारण हो सकता है दोस्तों आपके जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो हमेशा के लिए बैन कर दे व्हाट्सएप के द्वारा। तो दोस्तों, यदि आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट बंद नहीं कराना है या आप इससे बचना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में पूरा लास्ट बने रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट या अपने फ़ोन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने वीडियो के में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से ऐप है जिसके कारण हमारे व्हाट्सएप अकाउंट हमारे फ़ोन को कुछ खतरा है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ता के लिए सबसे लोकप्रिय स्टैंडर्ड मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप से यूजर अपने दोस्तों और परिवार से हर समय जुड़े रहते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें चैटिंग और फोटो वीडियो शेयरिंग के अलावा वॉइस और वीडियो कॉल की भी सुविधा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर सकती है? तो चलिए, अभी आगे आपको बताते हैं कि क्या आपकी छोटी सी गलती हो सकती है जिससे आपका अकाउंट जो है बंद हो सकता है। व्हाट्सएप की लोकप्रियता के कारण बाज़ार में व्हाट्सएप के नकली फेक व्हाट्सएप और नकली ऐप फेक ऐप की भरमार है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जो मूल ऐप में उपलब्ध नहीं हैं। उपयोगकर्ता इन सुविधाओं के आग्रह पर इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और अपने व्हाट्सएप चैट को इनमें स्थानांतरित करते हैं। और दोस्तों, स्थानांतरित करते से आपका जो है अकाउंट और आपके जो है निजी डेटा का प्रभावित डालते हैं। और आगे जानिए दोस्तों, क्या इससे नुकसान होता है। व्हाट्सएप पल्स एक ऐसा ही फेक ऐप है। इस ऐप में कई ऐसे फीचर हैं जो व्हाट्सएप में उपलब्ध नहीं हैं। जीबी व्हाट्सएप भी इसी फेक ऐप की श्रेणी में आता है। ऐसे में अगर आप ओरिजिनल ऐप की जगह इस फेक ऐप और थर्ड पार्टिकल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर सकता है। और जानिए दोस्तों, क्या है। व्हाट्सएप ने अपने यूज़र को इस फेक ऐप से सावधान रहने की सलाह देती है। फ़ोन में इन ऐप के होने से डेटा और अन्य गोपनीय जानकारी चोरी होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। यह फेक व्हाट्सएप ऐप यूज़र के फ़ोन में खतरनाक मालवेयर इंस्टॉल कर देता है और इन हैकर की मदद से फ़ोन की गतिविधि पर नज़र रखता है। और जानिए दोस्तों, क्या है इससे नुकसान। यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म में बजाय एक नकली वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है इसे नकली व्हाट्सएप ऐप्स को। ऐसे में मालवेयर वायरस के फ़ोन में घुसने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और आपको नकली वेबसाइट में से डाउनलोड जो फेक ऐप है, फेक व्हाट्सएप ऐप है, उनको नहीं करना है। आपको वह आपके जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, इसी से आपको जो है अपने व्हाट्सएप अकाउंट को खोलना है और आप व्हाट्सएप को ही वहीं से डाउनलोड करना है, ताकि आपका जो निजी डेटा और डेटा जो है आपका बच जाए, आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जो भी नॉलेज दिया हूँ या जो भी जानकारी आपको बताया हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आया या आपको कहीं भी आपको डाउट लगा है या आपको जरा से भी आपको कहीं पर समझ नहीं आया तो हमें कॉमेंट करके बता देना। दोस्तों, मैं उस जगह को या उस जहाँ पर आपको समझना है उसे अच्छे से समझाने का कोशिश जरूर करूँगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में पहले बार आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।